मैं सुनील ओझा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ब्लॉगर ओझा में। दोस्तों आपसे निवेदन, अगर आप हमारे चैनल पर नए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हम कोरबा के सतरंगा में हैं। सतरंगा एक टूरिस्ट स्पॉट है, पिकनिक स्पॉट है, काफ़ी अच्छा वाटर, यहाँ झरना मतलब वो है, बांध भी है, एक टापू टाइप का माहौल है। पर इससे हटकर यहाँ एक 1400 साल पुराना बरगद का पेड़ है, जिस पेड़ की जिसे साल का महावृक्ष कहते हैं ग्राम सतरंगा। इसकी गोलाई है जमीन में 28, जमीन पर 28 है मीटर है चौड़ाई, और इसकी आयु आप देख सकते हैं 1400 वर्ष पुराना ये लगभग माना जा रहा है, और ये 1400 साल से ज़्यादा पुराना वृक्ष का पेड़ है। चलिए आपको मैं वृक्ष दिखाता हूँ दोस्तों। ये हमारा वृक्ष है 1400 साल पुराना वृक्ष, छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष माना जाता है साल का वृक्ष, और ये वही राजकीय वृक्ष है छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष साल का वृक्ष, जिसकी आयु 1400 साल, मतलब कहा जाए तो इस उम्र में अभी कोई पौधे हम इतना क्या, हमारे घर में भी 1400 साल कहना क्या, 100 साल पुराना वृक्ष भी हमें अगर दिख जाए ना तो हम उसे कुछ माने ना माने, लेकिन ये 1400 साल पुराना वृक्ष है छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष, छत्तीसगढ़ के सब मतलब कोरबा जिले के सतरंगा में स्थित है। आप जब भी कोरबा आएँ या छत्तीसगढ़ टूरिस्ट प्लेस बनाने का प्लान बनाते हैं, छत्तीसगढ़ टूरिस्ट को आप देखने का मन आपका हो तो आप छत्तीसगढ़ में कोरबा जिले में सतरंगा पर आइए, और सतरंगा के पास स्थित ये विशाल बरगद का पेड़, सरई का पेड़, साल का वृक्ष, सॉरी साल का वृक्ष जो छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष जिसे सरई के नाम से भी जानते हैं, इसे आप देखिए 1400 साल पुराना वृक्ष है। इसकी पूरी डिटेल आपको दिख गई है, काफ़ी मोटा वृक्ष है, हमारे घर के पास तो शायद 100 साल पुराना वृक्ष भी हमें नहीं देखने को मिलता है, और ये वृक्ष सामान्य वृक्ष सोच सकते हैं कितने ऑक्सीजन और कितने कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके हमें ऑक्सीजन दे रहा है, कितना ऑक्सीजन देता है और कितना कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर रहा है 1400 साल पुराना वृक्ष। चलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।